तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सब छोड़ भाई, जय रंगीला, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल में। तो भैया, आज एगो घटना हो गई बा हमारे ही रिश्तेदारी में, और मेरी बुआ की लड़की थी और उनके हस्बैंड जी थे, और रात में वो लोग बाइक से आ रहे थे, और ये ब्लोरो आप सब जो देख रहे हैं खाई में पड़ी हुई है, इस ब्लोरो से टक्कर हुआ और उनका मृत्यु हो गया। और तीन लोग थे, दो लोग सही हैं, बाकी उनका उसी टाइम मृत्यु हो गया। लेकिन इसमें कुछ नोचा दिख रहा है, आप सबको पूरा वीडियो में दिखाते हैं, आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए और बताते हैं, दिखाते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये जो घटना हुआ है ये वारदात जो है सही है या गलत है, आप सबको दिखाते, क्योंकि इसके पीछे कुछ राज छिपा लग रहा है मुझे, क्योंकि आप लोग जो देख रहे हैं इधर से, आप सबको दिखाते हैं पहले रोड, किधर से गाड़ी आ रही थी दोनों, और जौनपुर की तरफ से दोनों गाड़ी आ रही थी, इधर से आप लोग देख सकते हैं इधर से आ रही थी दो गाड़ी, और उधर से रात में पता चला कि कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था बोलेरो वाले से, और आगे बाजार है, कंजा बाजार है, मल्हनी वाला जौनपुर रोड है, मल्हनी का विरन खुटान होते सायगंज जाते हुए, तो वहाँ आगे बाजार है 100 मीटर पर, वहाँ पर झगड़ा कुछ हुआ था उन लोगों से, और पाँच लोग थे जो साथ में थे हमारे रिश्तेदार, उनके साथ पांच लोग थे, उनके घर शादी भी है, कल के डेट में शादी थी, लेकिन आज ऐसा हो गया। और इधर से आ रहे थे और शायद उधर बोलेरो वाले झगड़ा हुआ, तीन लोग पहले ही एक रास्ता उधर से कट गए, और दो लोग अपाची से आए और पता नहीं खड़े थे या नहीं खड़े थे, क्योंकि अपाची जो है देखिए पीछे से अगर कोई टक्कर मारता है तो जब भी टक्कर लगता है तो गाड़ी का पीछे वाला भाग जो होता है खराब, मतलब टूट जाए या पीछे वाले को कुछ हो जाए, आगे वाले को ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब ना इस गाड़ी के जो ब्लोरो है आगे से मारा है, जो ना आगे से कहीं टक्कर दिख रहा है ना पीछे से दिख रहा है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये साजिश है, रंजिश है मारने की, और रात में ऐसा ऐसा कांड हुआ है, और शायद अभी प्रशासन लगी हुई है छानबीन में, और उनका तो जो हमारे बुआ के लड़की के जो हस्बैंड जी थे उनका डेथ हो चुका है, और बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, बहुत अच्छे इंसान थे, क्योंकि यार इतना देखिए होता है ना कि झगड़ा लड़ाई, देखिए जो उनके साथ थे शायद हमको नहीं पता है, लेकिन हाँ वो लोग के बारे में नहीं पता, वो लोग झगड़ा लड़ाई किए होंगे, लेकिन वो जो थे वो शायद ऐसे स्वभाव के थे कि कभी झगड़ा लड़ाई क्या मतलब एकदम झगड़ा लड़ाई अगर कहीं हो जाता भी था तो वहाँ पर समझाने के लिए जाते थे, ठीक है। लेकिन ऐसा कांड यार समझ में नहीं आ रहा रात से, मतलब किस बेहुदा सिस्टम से हुआ है, क्योंकि देखिए गाड़ी आई उधर से और उधर से ही पल्सर भी आ रही थी, खड़ी थी या क्या थी, कैसे टक्कर हुआ, लेकिन आप लोग देख सकते हैं गाड़ी के जो पोजीशन है इस तरीके से इधर से दिख रहा है जैसे कि इधर से गाड़ी आई हो, आप सबको बैक करके एक बार दिखा देते हैं, इधर से ये रही गाड़ी आई इधर से और उधर से ही पल्सर भी आई, जो दो लोग बैठे थे जो कि मेरे जो रिश्तेदार थे और उनके पीछे एक मुसलमान करते थे, और दोनों लोग उधर से आए, और बाकी गाड़ी भी उधर ही से आ रही थी उसी उधर से, लेकिन इधर का सिचुएशन आप सब देख सकते हैं, उधर से टक्कर मारते हुए ये इधर आकर फिर उसी पोजीशन पर हो गई जाने वाले रास्ते से, क्योंकि उधर से गाड़ी आई है और इधर पोजीशन पर पूरी लगी है, आप सब देख सकते हैं पूरा एकदम शीशा कांच वाँच फूटा है, एक बार नीचे हम जाकर दिखाते हैं आप सबको, रुके रहिए, ये देख सकते हैं गाड़ी का ही पूरा पोजीशन है, और पूरा पीछे से आगे से पूरा टूट पड़ा है इधर, ये सब है, और एक पेड़ है, खाई है, जो खाई से आकर पूरा एकदम टकराई है, और देख सकते हैं अंदर आप सबको दिखाते हैं, ये पूरा पोजीशन है इसका, जो कि देख सकते हैं इधर आगे पीछे पूरा फूट गया है, लेकिन गाड़ी जो उधर से आई यही नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि गाड़ी आई है इस तरफ से और गाड़ी उधर से कैसे टर्न मारकर यहाँ पर आकर लग गई है यही समझ में नहीं आ रहा है। और फिलहाल आप सबको और दिखाते हैं जहाँ उनके जो जहाँ पर गिरे थे, क्योंकि गाड़ी इस साइड है, उनका मृत्यु उस साइड हुआ था क्योंकि उस साइड गिरे थे, इधर सब बाकी भाई लोग खड़े हैं, चलिए उस साइड दिखाते हैं आप सबको, बने रहिए दोस्तों। गाड़ी इस तरफ से आई थी और मैं निशान दिखाना चाहता हूँ, ये रहा देख सकते हैं, ये रहा पूरा टायर के निशान, और नहीं यहीं से शुरू है और इधर से गया है, ये रहा इधर, फिर घिसते हुए इधर देख सकते हैं, घिसते हुए टायर का निशान, इधर जाते हुए फिर उधर जो रोड है वहाँ से यहाँ से क्रॉस होकर वहाँ पर जाकर गिरा, और जो वो गिरे थे उनका जगह ये था नीचे, देखिए
गिरे थे और पूरा एक खाई से मतलब देख सकते हैं ऊपर से इधर से ऐसे ही गाड़ी खड़ी थी, शायद इधर से टक्कर मारा और फिलहाल उधर से गाड़ी लगी। यही समझ में नहीं आ रहा है कि दोस्तों कांड ये कैसे हुआ, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें साजिश रचा गया है। और फिलहाल यार एक्सीडेंट होता है मैं मानता हूँ, लेकिन गाड़ी जाकर उस पटरी से ऐसे लग जाती है और एक्सीडेंट जहाँ हुआ जगह इधर है और बाकी गाड़ी आप लोग देख सकते हैं उधर जाकर कई दूर उस पर वो भी जाके सीधा लगी हुई है एकदम बढ़िया से। और यही नहीं समझ में आ रहा है, फिलहाल जांच शुरू है और इस पर कार्रवाई हो रही है। क्या हुआ इधर भी कुछ रहा? ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ओ हो 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 हो, ये रहा सर का वो जो होता है उसको निकाल कर इधर फेंक दिए हैं, जो भेजा होता है देखिए वो रहा उसको निकाल कर उधर फेंक दिए हैं। तो भैया ये सरासर अब पता पूरा चल गया है कि इनको मारा गया है, क्योंकि इस तरीके से कभी एक्सीडेंट नहीं होता है, एक्सीडेंट भी होता है तो एक जगह होता है। और फिलहाल निकाल कर जो सर का भेजा होता है वो लोग उधर फेंक दिए हैं, वो कचड़े में दिख रहा है अभी, और प्रशासन लगी हुई है। और आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि सही है या गलत है, आप लोग का कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और क्योंकि यार देखिए जिंदगी या मौत का, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग दुश्मनी कहीं पर भी दोस्ती यारी आप लोग पहली बात एकदम मत कीजिए, क्योंकि दोस्ती ही यारी में सब कुछ ऐसा ऐसा कांड होता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत कीजिए, और बाकी कमेंट कर बताइए, जाने दीजिए उधर सब निकाल निकाल कर फेंके हैं सर का जो सिस्टम होता है। तो फिलहाल आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट कर कि यह सही है या गलत। थैंक यू।